के निपानिया स्थित इस्कॉन मंदिर के कुंड में बीते दिनों बच्चे के डूबने से मौत होने के बाद परिवार को आर्थिक मदद व अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासभा संघ द्वारा कलेक्टर इंदौर को ज्ञापन दिया गया। बीते 28 अगस्त को निपानिया स्थित इस्कॉन मंदिर के अंदर बने कुंड में रविदास समाज के 14 वर्षीय बालक भोला सोलंकी की डूबने से मौत हो गई थी। गरीब मजदूर परिवार की संतान भोला सोलंकी के पिता मंदबुद्धि हैं तथा परिवार की इकलौती संतान होने के कारण मृतक के माता पिता के सहयोग हेतु आर्थिक राहत राशि की मदद के लिए रविदास समाज के लोगों द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश मनीष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर मनीष सिंह के समक्ष अपनी मांगे रखी। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिलाधीश को कहा कि खजराना स्थित चमार मोहल्ला को संत रविदास मोहल्ला घोषित किया जाए, साथ ही सरकारी दस्तावेजों में भी संत रविदास मोहल्ले के नाम से अंकित किया जाए व मृतक बच्चे के परिवार को आर्थिक रूप से मदद की जाए। जो जलकुंड है उसमें भोला सोलंकी 14 वर्षीय दलित बालक की मृत्यु डूबने से हो गई थी, जिसको लेकर पूरा समाज यहां पर सहायता राशि मांगने आए थे माननीय कलेक्टर इंदौर से, और उसके लिए माननीय तहसीलदार सुदीप जी मीणा को हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर की अनुपस्थिति में मीणा जी ने हमारी मांगों को सुना है और स्वीकार भी किया है, और उन्होंने जल्द से जल्द राहत राशि मंजूर भी की है कि 4 लाख रुपये जो राजपत्र में जो पुस्तक है वो राजस्व पुस्तक के अनुसार हमारे दलित वर्ग के बच्चे के देहांत पर आकस्मिक मृत्यु पर 4 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है वो दिया जाएगा, तथा खजराना में जो हमारा परिवार हमारा समाज दलित समाज रहता है, हमारा वाल्मीकि समाज रविदास समाज बलाई समाज रहता है, लगभग 500 से ज़्यादा परिवार वहाँ पर निवास करते हैं, उसको चमार मोहल्ला कहा जाता है, और हमें वह सुनने में जो है बुरा लगता है। हमारे मतदाता परिचय पत्र में राशन कार्ड में तथा बच्चों के स्कूलों में भी जो है चमार मोहल्ले के नाम से संबोधित किया जाता है, जो हमारे को अत्यंत बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है अपमानित जैसा महसूस होता है। तो उसको लेकर हमने मार्च 2019 में भी यहाँ पर माननीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि चमार मोहल्ले को बदलकर हमारे महापुरुष के नाम से इस मोहल्ले को किया जाए, संत रविदास नगर किया जाए। इस बात को लेकर भी हमने मांग रखी है। माननीय तहसीलदार जी ने माननीय कलेक्टर से कहने का कहा है, अभी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द करा देंगे, और यदि नहीं कराते हैं तो समस्त रविदास समाज बलाई समाज फिर सड़कों पे आके इसी तरह धरना प्रदर्शन करेगा। ये तो आपने प्रशासन से बात की, सरकार के स्तर पे किससे आपने चर्चा की है? सरकार के स्तर पे अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं हुई है जी। बाकी हाँ, हम आज किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा करके इस बात को रखेंगे कि चमार मोहल्ले को संत रविदास मोहल्ले के नाम से जाना जाए, हमारे महापुरुष के नाम से नगर को पहचाना जाए, ऐसी हमारी मांग है। आपका नाम और धन्यवाद। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ से। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।